तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी शारीरिक अक्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न रस भस्म कुश्तों का इस्तेमाल करते थे जो कि राजवैद्यों के द्वारा बनाई जाती थी। तो क्या ये रस भस्म कुश्तें और वनौषधियाँ उनकी शारीरिक अक्षमता को वाकई में बढ़ाती थी या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक आपको छोटा सा टिप्स देता हूँ कि आप रात को गर्म दूध में केसर डालकर यानी केसर वाला दूध कभी पी के देखें, और यदि आपने पिया भी होगा तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर में सेक्सुअल पावर अधिक बढ़ गई है, यानी कि हमारी शारीरिक क्षमता को जब केसर और दूध जैसी सिंपल चीज़ें उसमें अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं, तो रस भस्म और कुश्ते जो कि स्पेशली वनों से, जंगलों से, जड़ी बूटियों से आज भी वैद्यों के द्वारा लाकर और अपने रोगियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में वाग्भट जी कहते हैं कि रति कर्म का अभिलाषी पुरुष निरंतर वाजीकरण प्रयोगों का विधिवत सेवन करता रहे। इसके अतिरिक्त वे कहते हैं कि जिसका निरंतर सेवन करने से पुरुष घोड़े के समान बलवान होकर बिना रुकावट के स्त्री संभोग करने में प्रवृत्त हो जाता है, जिस कारण वह स्त्रियों का अधिक प्रिय हो जाता है, और जिस जिस द्रव्य के सेवन से वीर्य की वृद्धि होती है उसे वाजीकरण कहते हैं। जो शरीर में ओज धातु को बढ़ाता है उसे वाजीकरण द्रव्य कहते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि जिनका मानसिक बल कम है, जो शारीरिक और मानसिक कष्टों से पीड़ित हैं, जो राग से युक्त हैं, उनके शरीर का अक्षय न हो, अतः उसकी रक्षा के लिए वाजीकरण औषधि का उपदेश किया जा रहा है। निरोग हैं अर्थात समर्थ हैं, युवक हैं, प्रतिदिन जो वाजीकरण औषधियों का सेवन करते रहते हैं, वे सभी ऋतुओं में प्रतिदिन मैथुन कर सकते हैं, उनके लिए मैथुन का निषेध नहीं है, ऐसे हमारे पौराणिक आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं। ये जो वाजीकरण औषधियाँ दोस्तों हमने आप लोगों के लिए तैयार की हैं, उसमें कुछ वनौषधियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बिदारी कंद, कंटकारी, जीवक, ऋषिभक, बलामूल, मैदा महामैदा, काकोली, शीर काकोली, मांसपर्णी, शतावर, मुदपर्णी, असगंध, अति बलामूल, बला, केवाच के बीज, पुनर्नवामूल, बड़ी शतावर, शीर बिदारी, जीवंती, रिद्धि रासना, गोकरू, मुलेठी, शालपर्णी और आंवले का रस। तो ये कुछ वनौषधियों के मैंने नाम आप लोगों को बताए। इसके साथ ही जो भस्में होती हैं, लाभकारी भस्में उचित संयोग में हमने इसमें मिक्स की हैं। तो मित्रों, आपको अगर इन वनौषधियों का और हमारे इन रस रसायनों का लाभ लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार।